जो है रावण को जलाते हैं तो उसके साथ बाकायदा पुतला दहन करते हैं, तो उसमें लिखते हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें लिखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिखता नहीं है। लेकिन नोएडा में ये भ्रष्टाचार साफ तौर से आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार की इमारत है। तो जाहिर सी बात है एक दशहरा का माहौल अब हम कल कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार का जो रावण है ये कल ढह जाएगा। लोग आखिरी बार इस रावण को देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं है, नोएडा विकास प्राधिकरण का पाप है, नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों के जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है यह उसकी जीती जागती इमारत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो कल पूरा हो जाएगा। कल दोपहर 2:30 बजे एक बटन से ये 12 सेकंड के अंदर 12-13 सालों में बनी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। तो कहें एक नज़ीर भी बनेगी ऐसे लोगों के लिए जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और ऐसे अफसरों के लिए भी नज़ीर बन सकती है अगर नोएडा विकास प्राधिकरण उन 26 अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करे जिन अफसरों की वजह से ये भ्रष्टाचार की इमारत बनाई गई थी। फिलहाल देखना होगा कल किस तरीके का समय रहता है और किस तरीके से लोग इसको इंजॉय करते हैं। जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।